हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्य वंश और खास करके अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी त्रिपुरासी का ये भी यूपी त्रिपुरासी पेट का एक सिलेबस का हिस्सा है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इस चैप्टर से जितना भी यूपी त्रिपुरासी और SSC में क्वेश्चन बने हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार रिपीटेड हैं। सबको हम बारी बारी से देखेंगे और आपको इसमें से मैक्सिमम प्रश्न ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसको बताना है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनी, ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनी। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे और उनके शासनकाल से संबंधित जो भी वर्णन है ये मेगास्थनीज में मिलता है। देखिए, आपके ऑप्शन में दिया है फाययान, तो आपको ये भी याद रखना है कि फाययान किसके शासनकाल में आए थे। तो फाययान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है फोक्यूक की, ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन में दिया है वेनसांग, वेनसांग भी आपको याद रखना है किसके शासनकाल में आए थे। तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की, ये भी याद रखिएगा कि वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको चरक ने लिखा है और यह पुस्तक किससे संबंधित है यह आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। देखिए, ये यूपी त्रिपुरासी पिछले साल पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है जिसको चरक ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, ये आपका प्रश्न है। इसमें दिया है कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो जो मौर्य अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, तो ये आपको बताना है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। देखिए, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और जिसको कह सकते कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई तरीके से, मतलब इसको कभी ऑप्शन चेंज कर देगा, 13वां के जगह पे रॉकेडिक्ट दे देगा। अभी आपको आगे प्रश्न देखने को मिलेंगे किस तरह से इस प्रश्न को घुमा कर कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 13वां शिलालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में जो 13वां शिलालेख है ये सबसे बड़ा शिलालेख है और इसी शिलालेखों में, ये चीज़ें आप याद रख लीजिए, इसी शिलालेख में अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन थी ये आपको बताना है। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसाली। तो कलिंग की राजधानी तोसाली थी, ये भी याद रखिए। देखिए, राजस्व लेखपाल 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देव नाम प्रिय नाम से किसे दिया गया था, ये मतलब देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था ये आपको बताना है। तो हर्ष को दिया गया था, अशोक को, कनिष्क को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो देव नाम प्रिय जो नाम है ये अशोक को दिया गया था, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? देखिए, तक्षशिला शहर किसके, दो नदी का नाम दिया गया है उनके बीच आपको बताना है कि इन नदियों, कौन सी दो नदियों के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी और ब्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला शहर स्थित है और आपको ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त के जो आचार्य थे, जो गुरु थे, चाणक्य या फिर कह सकते हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों नाम चाणक्य के ही है, उनका संबंध जो है तक्षशिला से ही है। वर्तमान में ये तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। तो तक्षशिला सिंधु और झेलम दो नदियों के बीच में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय
कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो देखिए अभी हमने ये प्रश्न डिस्कस किया और मैंने कहा भी कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ग्राम विकास अधिकारी का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13वां शिलालेख। देखिए 13वां शिलालेख, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है? तो 13वां शिलालेख। देखिए जो प्रश्न बार बार आए हुए हैं उसको मैंने बार बार इसमें रखा है कि ये प्रश्न पूछे गए हैं। चाहता तो मैं इसको हटा भी सकता था लेकिन इसलिए नहीं हटाया कि बार बार जो प्रश्न आए वो बार बार वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ना चाहते हुए भी वो प्रश्न याद हो जाएंगे और होना भी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। देखिए ये प्रश्न आपको ये समझना है कि इसमें पूछ क्या रहा है। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख का मतलब होता है जो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, वो कहाँ पे स्थापित है। तो ये आपको बताना है कन्नौज में, गौतम बुद्ध में, संभल में, सारनाथ में। तो अशोक का जो स्तंभ है सिंह चतुर्मुख वाला वो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ और कहाँ स्थित है? वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में सारनाथ है और सारनाथ में ही अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? ये आपको बताना है कि कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। सारनाथ, धौली, शाहबाजगढ़ी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान आपको बताना स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बरादरी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है स्तूप। स्तूप अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से किसका संकेत है? तो ये महापरिनिर्वाण का संकेत है स्तूप। ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत और हम भूलने देंगे भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो इसमें से आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होता है कामरूप, ऑप्शन नंबर डी। कामरूप जो है अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कश्मीर भी अशोक के साम्राज्याधीन था, कर्नाटक भी था, गुर्जर भी था। देखिए ये कश्मीर के जो श्रीनगर है ये कहा जाता है कि अशोक ने ही बसाया था कश्मीर के श्रीनगर को, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार कई तरह से एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। तो ये इसका निर्माण देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए इसका निर्माण अशोक मौर्य ने कराया था और अशोक मौर्य किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य काल। अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसमें आपको बताना है योग दर्शन जो योगा होता है उसके बारे में ये पूछ रहा है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन है महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पतंजलि। इसका सही जवाब हो जाएगा महर्षि पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो इसमें पूछ रहा है कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो वो थे चरक। देखिए आयुर्वेद से संबंधित कौन थे? चरक। अभी पीछे ही हमने पढ़ा चरक संहिता किससे संबंधित, चिकित्सा, उसके लेखक कौन थे? चरक। तो आयुर्वेद विज्ञान से कौन संबंधित थे? चरक, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक बिंदुसार। तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था और वो यूनानी कौन थे? सेलुकस निकेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे। तो ये बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ये पहले वीडियो में जो इसका पहला वीडियो है, प्रीवियस ईयर,
उसको उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में, श्रवणबेलगोला में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसमें आपको बताना बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो देखिए इसको याद करने के लिए आप आसानी से इस तरह से याद कर सकते हैं, चंद्र बिंदु अशोक, चंद्र बिंदु अशोक, इस तरह से याद रख सकते हैं, चंद्र बिंदु अशोक। देखिए इसका पहले चंद्र उठाइए, इसका बिंदु उठाइए, अशोक। अब देखिए इसको समझते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक, ये आपको याद रखिएगा, चंद्र बिंदु अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अभी हमने क्या कहा, चंद्र बिंदु अशोक, यानी चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अशोक, बिंदुसार का अशोक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला, राजगिरी। तो देखिए बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी, और कहा जब लिखा जब मिलता हुआ शिलालेखों में लिखा मिलता है कि बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा था। तो अशोक न केवल वहाँ के विद्रोह को दबाया, बल्कि वहाँ की प्रजा को प्रजा का आत्मविश्वास और प्रेम जीत लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो देखिए अभी ये प्रश्न आपको पहले ही मिल चुका है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध से आया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद कहा जाता है कि अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपनाया था, यानी युद्ध न करने के बजाय धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना, ये नीति अपना लिया था अशोक ने। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? देखिए ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। अशोक को ही देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? देखिए सेम प्रश्न, अशोक, इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, इन तीनों की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? देखिए सेम प्रश्न, कई बार कई तरह से पूछा जा रहा है, ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहला है रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6, रॉक एडिक्ट 13। रॉक एडिक्ट का मतलब हम आपको बता दें, इसका मतलब होता है शिलालेख। तो शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रॉक एडिक्ट 13। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये आपको बताना है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 261 BC, 263 BC, 232 BC, 240 BC। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 BC। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो सेम प्रश्न, देखिए कई बार कई तरह से घुमा के प्रश्न ये पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न है, इसका एक ही जवाब है, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? सेम प्रश्न, शिला राजादेश 13, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को सिर्फ आपको यही याद रखना है कि अशोक के शासनकाल कलिंग युद्ध का जो वर्णन है उस किस शिलालेख में मिलता है? तो
13वां शिलालेख में मिलता है, बस यही आपको याद रखना है। घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा तब भी आप इसको कर ले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत था राजदूत था सॉरी राजदूत मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इंडिका, ये भी याद रखिएगा। और देखिए ऑप्शन में दिया गया है कौटिल्य। कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, ये भी याद रखिएगा। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मौर्य के दरबार में जो ग्रीस राजपूत थे अभी हमने डिस्कस किया, मेगास्थनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिका किसने लिखी? सेम प्रश्न है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक सीयू की। फाहयान की प्रसिद्ध पुस्तक फोक्यू की। याद रखिएगा वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे, फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदत्त। तो अशोक उपगुप्त से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो हमने पहले भी ये बता चुका है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, वो तक्षशिला से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। देखिए कई बार इसका डिस्कस हो चुका है कि मौर्य के शासनकाल के दौरान सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र, पहले बात तो आपको याद होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य या विष्णुगुप्त कही है, कौटिल्य कही है, तीनों बात एक ही है, तीनों नाम एक ही लोग का है, चाणक्य का है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जगह पे मौर्य वंश आ जाए तो भी आपका ऑप्शन मौर्य वंश सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, कौटिल्य ने। ये प्रश्न आपको याद हो जाने चाहिए। देखिए बार बार प्रश्न इसीलिए हम डाले हैं, चाहते तो हम इसको हटा भी देते हैं बार बार, इसलिए कि ताकि आपको ये प्रश्न याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो मगधी, ब्राह्मी, पाली, देवनागरी। तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किए थे और कब किए थे। 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकॉक, 1837 जेम्स प्रिंसेस। तो ये आपको याद रखिए, ये आपको याद रखना है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक कनिष्क। तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का ज्ञान, माता पिता का आज्ञा का पालन, दान पुण्य, भातृभाव, संघ के प्रति आस्था। तो देखिए ये माता पिता का आज्ञा का पालन ये भी था, दान पुण्य भी था, भातृभाव था, संघ के प्रति आस्था, इसका वर्णन धम्म में नहीं किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला प्रशासक।
मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय जिला प्रशासन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो वो सातवाहन वंश, शुंग वंश, नंद वंश, कर्ण वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश। तो इसमें आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदरथ। बृहदरथ को ही मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी हमने बताया कि बृहदरथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदरथ, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये हमारे 45+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो SSC तथा UPSC के एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इससे बाहर पूछे जाने के प्रश्नों को मुझे उम्मीद नहीं है, मैक्सिमम प्रश्न तो अगर प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से तो यहीं से बनेंगे। अगर वीडियो कैसा लगा ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।